ये पहले हमने इसे खोल लिया, इसे खोल लिया। करने का तो भी तरीका भी दिखाता हूँ सर। इसको फिर हम ऐसे प्लग करेंगे, सीट को हम ऐसे करेंगे, सीट को हमने ऐसे किया, फिर इसको हम ऐसे डालेंगे और एलंकी से इस पार्ट को हम सीधा कर लेंगे इसको। हाँ, इसको एलर्जी यहाँ से लगा के यहाँ से उसको ऐसे सीधा कर देंगे। ठीक है सर, एलर्जी फंस गया आपके, फंस गया। इसके बाद में ये कैप हम इसका टाइट करेंगे और इसकी होती है सर चाबी, ये इससे हम अपना टाइट करेंगे ऐसे ऐसे। ओके सर, ऐसे हम टाइट कर लेंगे इसको ऐसे। ये हमारी एलंकी यहाँ फंस गई। ठीक है सर, एक बार एलंकी निकालिए। नहीं नहीं, ये फंस गई सर। हाँ, एक एलंकी निकालिए, ज़रा अंदर का होल ले लो। ठीक है सर, ये फंस गई। उसके बाद में ये हमारा जाएगा इसका क्लैंप। ये जाने के बाद में उसको खोल के लगाइए, खोल के लगाइए। ये है, ये इसका क्लैंप है, ये इसको हम ऐसे टाइट करेंगे। 12 mm का फास्टनर होना चाहिए। ये फिर इसमें जाएगा, और अंदर करिए उसको। ये सिलेंडर हाँ। पहले इसको बचा लूँ। ये हमने फंसा लिया एलंकी, और ये हम ऐसे अपना टाइट कर देंगे और अंदर जाने देंगे। वो तो भी चला जाएगा, वो तो हम नापेंगे ना भी, और अंदर जाएंगे इसके बराबर करो, और अंदर जाएगा, और अंदर जाएंगे। हाँ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ये सर टाइट हो गया, ये यहाँ से टाइट हो गया, ये टाइट हो गया। ये है गुल्ली, इसे बोलते हैं गिट्टी। ये बोर सुराख करके इसे वॉल में करके ये यहाँ पे टाइट कर दिया जाएगा, उसके बाद में नाप के काट दिया जाएगा। ओके सर, इस पाइप को लगाने के लिए थोड़ी सी ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ यहाँ लगेगा और इसमें जो है उसका बेस काट के इसमें पुट कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा बस। ये होगा सर, नहीं नहीं पहले इसको इसको मत कर, इसको पहले लगाइए सर। ये इसका कैप से टाइट कर देंगे, सीट पे हैंग हो जाएगा इस तरह करके ऐसे। ये ऐसा प्रॉब्लम से टाइट हो जाएगा, उसके बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हम यहाँ से प्ले करेंगे इसको ऐसे, ये नेट हम एडजस्ट कर देंगे, खोल लेंगे। पहले इसको लगा लीजिए, इसमें उसको निकालिए, इसको निकालिए। हाँ, पहले इसको हमने लगाया ऐसे, ये लगाया, उसके बाद में इसको हमने यहाँ प्ले किया। उसके बाद में एलंकी की ज़रूरत पड़ती है, ये ऐसे टाइट हो जाएगा। ये टाइट देखिए, ये जो है ना आपका
ये जो बोल्ट है देख रहे हैं आप रैक बोल्ट, इसकी जो एल की जो ये जो नट लगा हुआ ना एल की वाली, ये नट यहाँ पे आना चाहिए इस होल के सामने। इस होल के सामने जब आप अंदर से इसको ऐसे लगाते हैं ना अंदर से, तो ये सामने आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जो नट है ये एल की नट इस होल के सामने आना चाहिए, ये जो होल साइड में लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से देखिए इसमें कैप लग जाता है बाद में ये होल, अब इसको बाहर से ले लूँ, इस तरीके से बाहर से टाइट कर दिया जाता है, ये इस तरीके से इसको लगाना है। ये एल की नट जो है जैसे ये है वैसे इसमें भी जो है लगाना है, यहाँ से टाइट कर दिया जाता है। बंद करिए, छोड़ दीजिए, इतना समझ जाएंगे।